पाकिस्तान में इस वक्त होम सीरीज चल रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बहुत ही बिलो एवरेज टीम आई है। अनफॉर्चुनेटली दो या तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वर्ल्ड क्रिकेट रिकग्नाइज करता है, उनसे भी हम आज का मैच हार गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और अब कुछ रीजंस के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जज्बाती होकर आ जाएंगे कि उन दो का नाम नहीं लो, वो दोनों पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं। इंजी मियादाद वगैरह कुछ नहीं है, यही दोनों हैं जो हैं। मसला ये है, हम शुरू से कह रहे हैं टी ट्वेंटी क्रिकेट के अंदर कि ये दोनों भाई जो हैं ये ओपनिंग पे फिट नहीं बैठते और ये नीचे भी अब फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब आप देखें डिफरेंस बड़ा सामने है, रियलिटी नज़र आ जाती है। साइम अयूब और बाबर ने ओपन किया, 6 ओवर में हमारे 55 बने। हम पहले 6 ओवर में बमुश्किल 50-55 पे पहुँचते थे, अब हम पहुँचे, एक अच्छा स्टार्ट मिला, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, रिदम बन गया, सब कुछ हो गया। जैसे ही साइम अयूब आउट हुए अगले 4 ओवर में पाकिस्तान ने 25 बनाए, यानी पावर प्ले के बाद हम 80 पे एंड किए हमने 10 ओवर में, यानी कि फर्स्ट 6 55, नेक्स्ट 4 25। ये एक रियलिटी है। रिजवान जब ओपनिंग करते हैं तो कभी कभी उनको पसली शॉट भी बड़ा अच्छा मारते हैं मिड विकेट पे या फाइन लेग के ऊपर, जो उनके स्लॉट पे बॉल आ जाए। वन डाउन आके तो उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, उनको आई थिंक 2 फ्री हिट मिली हैं, एक तो मिली थी, दो पता नहीं, शायद दो मिली हैं, दोनों फ्री हिट जो है वो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, वेस्ट हो गई। वो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है, वो इतना डिफेंसिव खेल रहे थे, इतना मिडिल ओवर्स में उन दोनों ने स्लो डाउन कर दिया। ये प्रॉब्लम है, ये जो है ना एग्जैजरेट करना कि हमें एंकर प्लेयर्स चाहिए, एंकर करने वाला प्लेयर चाहिए टी ट्वेंटी के अंदर, ये सिर्फ एग्जैजरेशन है। एक प्लेयर काफ़ी है एंकर करने के लिए, वो बाबर या रिजवान में से आप वाइजली चूज़ कर सकते हैं किसको रखना है। बाबर कंपैरेटिवली बेटर इसलिए क्योंकि उनके पास हर तरफ शॉट खेलना सलाहियत मौजूद है, वो ऑल ओवर ग्राउंड खेल सकते हैं, अनलाइक रिजवान जो कि लिमिटेड है ऑन साइड की तरफ। तो एक हमारे पास जो है ना एंकर प्लेयर काफ़ी है। ओपनिंग हम कर रहे हैं साइम और बाबर से, अब साइम अगर आउट हुए हैं तो पावर प्ले के बाद बाबर और रिजवान का इकट्ठे खेलना कोई तुक नहीं बनता इस चीज़ का। अब अगर साइम आउट हुआ है तो आप उस्मान खान है तो उस्मान खान को भेजें, फ़खर है तो फ़खर को भेजें, अब वो दोनों इकट्ठे खेलेंगे तो गेम पक्का ही स्लो डाउन होना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इमाद वसीम पे बड़ी मीम्स बनती रही हैं, ट्रोल होते रहे कि जी वो रिजवान के लिए कहते थे रिजवान की टीम कॉम्बिनेशन में जगह नहीं बनती, तो नहीं बनती, सही कहते थे वो, क्योंकि आप किसी प्लेयर को ज़बरदस्ती ओपनर बनाओगे और उसको कॉन्स्टेंट चांसेस दोगे डिस्पाइट कि वो कितना भी फेल हो जाए, बड़े मैचेस में छोटे मैचेस में फिर भी चांसेस मिलेंगे तो कोई ना कोई परफॉर्म कर ही लेगा। हमारे बाकी प्लेयर्स को इतने चांसेस मिलते नहीं जितने बाबर और रिजवान को मिलते हैं, इतना उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं ओपनिंग पोजीशन पे या वन डाउन पोजीशन पे। आप देख लो ओपनिंग पोजीशन पे कितने प्लेयर्स को हमें चांस दिया हमने, तो मुश्किल से एक साइम अयूब आ गए बीच में जिनको चांस मिल गया, वरना किसको मिला है, कोई भी नहीं है। तो इमाद वसीम उस कॉन्टेक्स्ट में कहते थे कि रिजवान ने अपना करियर स्टार्ट किया मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर, तो वहाँ पर उनकी जगह नहीं बनती, और आज हमने देख लिया कि जब वन डाउन खेलने आए तो उन्होंने किस तरह से गेम स्लो डाउन किया। कोई 21 बॉलों पे 22 रन बनाए उन्होंने, एकदम से जो है डेड हो गया गेम, फिर उसके बाद वो रिटायर्ड आउट हो गए, समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स रन करके। तो खैर पॉइंट सिर्फ ये है कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये इकट्ठे एक ही टीम में ओपनर या वन डाउन की पोजीशन पे एक साथ बड़े मैचेस में हमें हमेशा मरवाएंगे। आप बायलेटरल के बड़े चीते होंगे, सेंचुरी पे सेंचुरी बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन वर्ल्ड टी ट्वेंटी का सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, एशिया कप का फाइनल, ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल, जितने इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे वहाँ पे ये दोनों ही फेल होंगे, ये दोनों ही मरवाएंगे, क्योंकि इन दोनों का गेम स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ये नहीं उतर पाएंगे उस चीज़ पे जो हम चाहते हैं इस मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर या जो हम बाकी टीम्स को देखते हैं। सबसे पहले तो ये दो एंकर प्लेयर्स के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारा एक बड़ा मसला ये है कि हम हर प्लेयर को डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब उस्मान खान की मिसाल है, उस्मान खान जिन्होंने अपने टी ट्वेंटी करियर के अंदर top 3 पोजीशन पे खेला, यानी कि ओपनर या वन डाउन, उसका रिकॉर्ड आप देखें क्या है, और वन डाउन के अलावा यानी कि 2 डाउन 3 डाउन वगैरह उसका रिकॉर्ड क्या है। अब उस्मान खान को हम 2 डाउन खिला रहे हैं, फ़खर को ऑलरेडी 2 डाउन खिला के उसको वेस्ट कर चुके हैं, उसकी सारी फॉर्म बाहर हो चुकी है। अब उस्मान खान की बारी है, जिन्होंने यूएई का अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है पाकिस्तान खेलने के लिए, अब उसके साथ भी आप यही करेंगे जी 2 डाउन खिलाएंगे। हैदर अली के साथ भी यही किया। आप सिर्फ एक मिनट को तसव्वुर करें कि बाबर जिनका गेम बड़ा डिफरेंट है, वो है इनिंग्स बिल्ड करना, लंबा लेके चलना, उस प्लेयर को हम कहेंगे जी आपका रोल है फिनिश करने का, अब आप 4 डाउन खेलेंगे, अब आप फिनिशर हैं। क्या बाबर कर पाएंगे, उतर पाएंगे उम्मीदों पे फिर फिनिशर के तौर पे? नहीं उतर पाएंगे ना, वो पावर प्ले में उस तरह का गेम नहीं खेलते तो फिनिशर कैसे बनेंगे। इसी तरह हैदर अली को जो ओपनिंग पोजीशन या वन डाउन पे खेलता था, आपने उसको 4 डाउन बेच के ज़ाया कर दिया। अब ये उस्मान खान के साथ भी यही कर रहे हैं, फ़खर के साथ भी यही किया है, हारिस मोहम्मद हारिस के साथ भी उन्होंने यही किया। जब सबको किसको चांसेस मिले ओपनिंग पोजीशन पे, फ़खर जमान को कितने आईसीसी इवेंट मिले टी ट्वेंटी के ओपनिंग पोजीशन पे, उसके अपनी नंबर पे, वो नेचुरली ओपनर है, अग्रेसिव ओपनर है, कितने चांसेस दिए उसको, नहीं मिले ना। सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जो उन पोजीशंस पे खेल सकते हैं, बाकी कोई नहीं खेल सकता। ये साइम अयूब है जो एक एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से ये आ गया सामने, शाहीन आफरीदी ने अपने छोटे से टाइम की कैप्टनसी में बड़ा काम कर दिया कि साइम अयूब को ओपनर बढ़ा दिया। अब लोग जो है ना समझ गए हैं कि हमें ओपनर कौन चाहिए, हमें रिजवान बाबर चाहिए या साइम चाहिए, तो इस वजह से अभी वो टिक गया है,
लेकिन उसके दो चार फेलियर अगर इकट्ठे आ गए ना, तो उसके बाद ये भी नीचे आएगा, फिर रिजवान बाबर ओपन करेंगे वापस। ये समझना ज़रूरी है कि हमारे बाकी प्लेयर जिनको हम ट्रोल भी करते हैं, बुरा भला भी कह रहे होते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहे, वो चांसेस कितने मिल रहे हैं सवाल ये है, उनके रोल क्या है। आपने सबके रोल डिफाइन कर दिया फिनिशर के, और बाबर रिजवान खेलेंगे जी 10-12 ओवर, ऐसे नहीं होगा। ओपनर को आप नीचे नहीं खिला सकते 2 डाउन 3 डाउन। उस्मान खान भी आगे मुझे ऐसा लग रहा है, अनलेस कि वो एक दो बड़ी इनिंग्स खेल दी उन्होंने तो ठीक है, वरना फिर उनका करियर भी जो है ना वो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ना उनको यूएई पूछेगा ना वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे अगर ऐसे ही रहा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो एक है रोटेशन पॉलिसी। हमारे यहाँ बड़ा इसका नाम लिया जाता है, रोटेशन पॉलिसी बड़ी वियर्ड है हमारी। वो ये है कि जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है ना उसको रोटेट नहीं करते ये लोग। यानी एक बंदा 4 साल के बाद कमबैक कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, एक बंदा 1.5 साल के बाद कर रहा है, यानी कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। रोटेशन पॉलिसी के नाम पे दोनों को बिठा दिया, और जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं वो नहीं बैठेंगे। बाबर अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, रिजवान अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, शाहीन चलो थोड़ा सा इंजरी का उनका मसला था, वो रिदम पकड़ रहे हैं अपना, लेकिन बाबर शाहीन अपनी रेस्ट नहीं करेंगे। आमिर और इमाद जो कि 4 और 1.5 साल बाद कमबैक कर रहे हैं, उन्होंने एक मैच आमिर ने खेला, इमाद ने एक भी नहीं खेला। बड़ी वियर्ड रोटेशन पॉलिसी है हमारी कि रेगुलर क्रिकेट खेलने वाला रेगुलर खेलता रहेगा, और जो रेगुलर नहीं खेल रहा हम उसको रोटेट करेंगे। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का हमारी लॉजिक्स होती हैं जो कोई समझ नहीं सकता पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। खैर, सारी बात का कंक्लूजन सिर्फ ये है कि जो इस मैच के हारने की वजह थी ना, वो हमारे मिडिल ओवर्स थे, जिसमें हमारे मिडिल ओवर्स में हम एकदम स्लो डाउन हो गए। टॉस के टाइम पे भी 200 रन प्रेडिक्ट किए गए थे, ये वो वाली पिच है भी पिंडी की जहाँ पे 200 बन जाते हैं। 18 ओवर में न्यूजीलैंड की एक एवरेज टीम ने हमारा ही टारगेट चेस किया अगेंस्ट बेस्ट बॉलर्स, और हमने 20 ओवर में 180 बनाया। मसला ये है कि बाबर भाई आते हैं मैच के बाद और कहते हैं जी बॉलर्स का मसला था, बॉलर्स ने जो है वो सही बॉलिंग नहीं की, हम 10 रन शॉट थे लेकिन बॉलर्स ने सही नहीं किया। 10 रन शॉट नहीं थे हम, कम से कम भी 30 रन शॉट थे इस पिच पे। और हर वक्त बॉलर्स पे ब्लेम करना, अपनी गलती ना मानना, 37 रन बनाना 25 बॉलों पे, आपका भाई रिजवान साहब जो है वो 21 बॉलों पे 22 रन बना लें, लेकिन गलती बॉलर्स की है। आप बॉलर्स को बना के तो दें 220 का टारगेट, उनको दें तो सही उस पिच के हिसाब से, वो कर देंगे डिफेंड। अब हर मैच आपको बॉलर नहीं जितवाएगा, सेकेंड T20 बॉलर्स ने ही जीत पाया, 90 पे ऑल आउट किया तो हमने इजीली चेस कर लिया। अब हर दफ़ा बॉलर्स नहीं जितवाएंगे, बैट्समैन की भी कोई जिम्मेदारियां हैं। असल जो हम गेम हारे हैं ना वो यहीं पे हारे हैं जो मिडिल ओवर्स में हमने गेम को डेड स्लो किया है, जिस पिच पे शादाब जैसा बैट्समैन 20 बॉलों पे 40 बना रहा है, वहां पे ब्रेसवेल को खेलते हुए हमारे बाबर भाई थोड़े से फंस रहे हैं, रिजवान भाई फंस रहे हैं, उनसे खेला नहीं जा रहा, शादाब 20 बॉलों पे 40 बना के जा रहा है। तो अब खुद इतने समझदार तो हम हैं कि हम समझ जाएं अब वक्त आने पे कि ओपनिंग पोजीशन पे किसको बैठना चाहिए, कहाँ पे हम गेम हार रहे हैं, और किन प्लेयर्स की वजह से गेम डेड स्लो हो रहा है, उनमें से कौन खेलना चाहिए कौन नहीं खेलना चाहिए।